आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है वो है 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। सो गाइज, ये क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला है कि हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करो, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है और ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। गाइज, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आइदर जो वेरिएबल है, यहाँ पर x एंड y वेरिएबल्स है, कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को दो इक्वेशन में इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए मैं देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है, तो ये स्टेप 1। तो दोनों इक्वेशन में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 2x जो है और यहाँ पे जो 4x है, हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे। तो x को हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, चलिए देखते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 में 2x है, सो 2 है, और इक्वेशन नंबर 2 में 4x है। तो ये दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 1 1। तो मुझे दोनों इक्वेशन में एलसीएम मिल रहा है 2 × 2 = 4। तो ये देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 4x है, मगर मुझे यहाँ पे 4x चाहिए। तो मैं 2 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4x मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैं 2 मल्टीप्लाई करके दोनों का x वेरिएबल जो है सेम कर दूंगा। तो देखिए, मैं अभी लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय 2। मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे 2x के जगह पे 4x मुझे चाहिए, ताकि मैं x वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकूं। इसीलिए मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और 2 मुझे कहां मिला, मैं जब एलसीएम निकाला 2 एंड 4 में, तो मुझे 4 मिला। तो यहां पर ऑलरेडी 2x है, तो 2x के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4x ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो मैं 2 × 2x + 3y = इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या है, 2x + 3y = 8 है, और 2 × 2x + 3y = 2 × 8। अगर हमें 2 मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को दो साइड पे करना है, लेफ्ट साइड पे भी करना है और राइट साइड पे भी करना है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। किसी एक साइड पे हम लोग किसी एक साइड पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को किसी इक्वेशन पे कौन सा भी नंबर मल्टीप्लाई करना है, वही नंबर को दो साइड पे मल्टीप्लाई करना है। और 4x + 6y = 16, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो गाइज, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 अगर देखेंगे तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 बड़ा लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, छोटा नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। स्टेप 2 में वही करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग, ताकि एलिमिनेट करेंगे ना, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो है, 2 जो है, हम लोग इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 क्या है, 4x + 6y = 7, इक्वेशन 3 है 4x + 6y = 16, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जो बड़ा नंबर लग रहा है, जब बड़ा इक्वेशन है, उसको पहले मैं लिख लेता हूँ, 4x + 6y = 16, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर टू हम लोगों का है 4x + 6y = 7। अभी हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। और गाइस, हमें पता है कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो यहाँ पर जो सिंबल है, ये +4x है, +6y है, और यहाँ पर +7 है, ये सिंबल को रिवर्स कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे। तो ये प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया। तो ये +4x - 4x कैंसिल हो गया, +6y - 6y कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, तो 0 ही बचा हम लोगों के लिए। और 16 - 7 = 9। गाइज, यहाँ पर हमें मिला 0 = 9। 0 = 9 कभी हो सकता है, 9 का ही कुछ वैल्यू है, और 0 9 भी नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. जीरो कभी नाइन नहीं हो सकता या नाइन कभी जीरो नहीं हो सकता है. इनका कुछ वैल्यू है. जीरो ही जीरो है, नाइन ही नाइन ही है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है और हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था. अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा था यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. जैसे कि जीरो इज इक्वल टू नाइन आ गया, ये इम्पॉसिबल है. तो यहाँ पे इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं है. तो इसीलिए हम लोग कंक्लूडिंग आंसर हम लोग लिख लेंगे. एज वी गॉट ए फॉल्स स्टेटमेंट. एज वी गॉट ए फॉल्स स्टेटमेंट. फॉल्स स्टेटमेंट. देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. देयरफॉर द गिवन पेयर of linear equations have no solutions. guys, क्योंकि हम लोग का कुछ डेफिनेट आंसर ही नहीं मिला. अगर कुछ एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल डेफिनेटली मिला होता तो हम लोग आगे बढ़ सकते थे. जैसे कि जीरो इज इक्वल टू नाइन, विच इज ए बेसलेस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट मिलने से हम लोग ये जो लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन ही नहीं रहेगा. होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इसी तरह आप लोगों को कुछ अपना कंक्लूडिंग आंसर लिखना है. गाइज अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं.